एक बड़े घर में जन्मा बिगड़ैल बच्चा, जिसे बढ़ती उम्र के साथ नशे की आदत लग जाती है और घर में बंदूक मिलने पर उस बिगड़े लड़के पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू बाबा की। संजय दत्त की इस उतार चढ़ाव वाली कहानी में दोस्तों रोमांस की भी अपनी अलग जगह है। इस वीडियो में हम संजय दत्त के 3 शादियों और कई संबंधों पर खड़ी इस खूबसूरत कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने हमेशा इन्हें विवादों में रखा है। बॉलीवुड में जहां हम बात करने वाले हैं संजय दत्त के वैवाहिक जीवन के बारे में। फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले संजू बाबा अब तक 187 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही संजू बाबा पर एक बायोपिक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें संजू बाबा की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में संजू बाबा की कई काली सच्चाइयों को भी छुपाया गया है? इस फिल्म में संजू बाबा के कुछ ऐसे जिस्मानी रिश्तों को पब्लिक से छुपाया गया है जिसमें बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम आता है। यकीन मानिए, संजू बाबा का कई फिल्में एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहा है और इन्हीं अफेयर्स की हकीकत का पर्दाफाश आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं संजय दत्त की गर्लफ्रेंड्स के बारे में और फिर आपको एक्टर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताएंगे। टीना मुनीम, दरअसल संजय और टीना बचपन के दोस्त थे और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी पहली फिल्म रॉकी के दौरान टीना और संजय का रिश्ता मजबूत हो गया था, लेकिन अफसोस दोस्तों, इनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। टीना ने संजू बाबा को ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से छोड़ दिया और बाद में धीरू भाई अंबानी के छोटे सुपुत्र अनिल अंबानी से शादी कर ली। इसके बाद नंबर आया रेखा जी का। चौंकिए मत, जहां इस सच को पचा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर उस समय के लोग इस सॉफ्टवेयर से भली भांति परिचित थे। दरअसल में संजय दत्त का नाम अभिनेत्री रेखा से उस समय जुड़ा जब वह फिल्म जमीन और आसमान की शूटिंग कर रहे थे। बताया तो यहां तक जाता है कि उस वक्त उन दोनों ने भागकर शादी रचा ली थी। आपको बता दें कि उस समय अफवाह इतनी ज्यादा फैल गई थी कि संजय दत्त को सामने आकर एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आरोपों का खंडन करना पड़ा था। हालांकि दोनों ने ही समय समय पर इस अफेयर की हवा को सिर्फ अफवाह बताया, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। रेखा जी के बाद नंबर आता है माधुरी दीक्षित का। संजय दत्त का लव कनेक्शन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ भी चला था। खबरों के मुताबिक 91 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा और फिर दोनों प्यार के हिचकोले खाने लगे। महज कुछ ही समय में दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी थी। दावा किया जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि संजू बाबा उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इसी बीच दुर्भाग्य से दोस्तों में मुंबई बम ब्लास्ट में संजू बाबा का नाम आया तो माधुरी खुद ही उनसे अलग हो गई और इस तरह दोनों की लव स्टोरी का अंत हो गया। नादिया दुर्रानी। वैसे तो संजू बाबा और नादिया की मुलाकात कब और कैसे हुई थी ये बात तो कोई नहीं जानता और ना ही संजय दत्त ने कभी इस बारे में कुछ कहा, लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि संजू बाबा और उनकी दूसरी पत्नी रिया की शादी नादिया की वजह से ही टूटी थी। दावा किया जाता है कि संजू बाबा रिया संग शादी से पहले नादिया दुर्रानी को डेट कर रहे थे और उन्होंने रिया संग शादी के बाद भी नादिया के साथ रिश्ता बनाए रखा था। दरअसल संजय दत्त और नादिया दुर्रानी साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म कांटे में एक साथ नजर आए थे। हालांकि कुछ समय के बाद संजय और नादिया दुर्रानी भी अलग हो गए, लेकिन दोनों के अलग होने की वजह किसी को पता नहीं चली। लीजा रे पर्सनल और प्रोफेशनल रूप से कठिन दौर जाने के बाद संजय दत्त को लीजा रे के साथ सुकून मिला, लेकिन उनकी प्रेम कहानी भी कुछ कम ही चली और कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि लीजा ने हमेशा एक्टर के साथ रोमांटिक रिश्ते में होने से इनकार किया, लेकिन इनके बीच का यह रिश्ता किसी से छुपा न रह सका। इन एक्ट्रेसेस के अलावा भी संजय दत्त के लाइफ में कई एक्ट्रेसेस आई जिनमें किमी काटकर और रति अग्निहोत्री भी शामिल हैं, लेकिन संजू बाबा इन दोनों एक्ट्रेसेस के साथ महज कुछ ही समय के लिए रिलेशनशिप में आए थे।
संजय दत्त ने खुद अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार किया था कि एक समय में एक से ज्यादा महिलाओं के साथ रिश्ते में रह चुके हैं, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं गए हैं। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था कि मैं एक समय में 3 रिश्तों में था, आपको बस थोड़ा सा चालाक होने की जरूरत है, बाकी सब मैनेज हो जाता है। संजय दत्त के उनके प्लेबॉय होने का सबूत देते हैं। हालांकि संजय दत्त की लव लाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट ने हमेशा से ही लोगों को हैरान किया था, लेकिन इनकी शादियां भी कम सुर्खियों में नहीं रही हैं। जी हां, संजय दत्त ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 शादियां की हैं। तो आइए आपको संजू बाबा की पत्नियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले संजय दत्त की पहली पत्नी से आपको मिलवाते हैं, जिनका नाम है ऋचा शर्मा। दरअसल संजू बाबा की पहली पत्नी ऋचा से उनकी मुलाकात एक फिल्म के मुहूर्त के दौरान हुई थी। ऋचा पर संजय का पहले से ही क्रश था और बाद में एक्टर को उनके साथ फिल्म करने का मौका मिला। संजय दत्त ने एक लोकल मैगजीन में ऋचा की तस्वीर देखी थी और उसी दौरान वह उनके दीवाने हो गए थे। वहीं जब संजय दत्त को ऋचा के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला तो आर्चा के साथ दोस्ती करने में जुट गए। फिल्म की शूटिंग के दौरान संजू बाबा किसी तरह उनका टेलीफोन नंबर लेने में कामयाब रहे और उन्हें फोन करने लगे और आर्चा को डेट के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस ने हमेशा से ही संजय दत्त को नहीं में जवाब दिया। हालांकि लाख कोशिशों के बाद एक दिन ऋचा ने संजय दत्त को डेट के लिए हां कह दिया और इस तरह दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। इसके बाद इन दोनों की 7 में शादी हो गई। शादी के 1 साल के बाद कपल ने अपनी बेटी त्रिशाला को जन्म दिया और बेटी के जन्म के 2 साल के बाद संजय दत्त को पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद ऋचा अपने इलाज के लिए अमेरिका चले गए। वहीं कुछ समय के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी, जिस वजह से ऋचा अपने पति संजय दत्त को छोड़कर माता पिता के साथ रहने लगी और फिर न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1986 को ऋचा का निधन हो गया था। ऋचा शर्मा के निधन के बाद संजू बाबा की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लई आई। दोनों एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किए और फिर साल 1996 में संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी कर ली, लेकिन इस बार उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका और फिर दोनों का शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते 2005 में तलाक हो गया था। दावा किया जाता है कि तलाक के बाद संजू बाबा ने रिया को एलुमनी के तौर पर एक कार और एक लग्जरी अपार्टमेंट दिया था। इस तलाक के बाद संजू बाबा के जिंदगी में आई आखिरी लड़की मान्यता दत्त, जो दिल नवाज शेख के नाम से जानी जाती थी। कहा जाता है कि जब संजू बाबा नादिया को डेट कर रहे थे तब उनकी मुलाकात जूनियर आर्टिस्ट मान्यता से हुई थी और वो मान्यता की नॉर्मल लाइफ को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे। मान्यता का सहज और विनम्र स्वभाव संजय दत्त को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफी था और इसी तरह धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया, जिसके बाद 7 फरवरी 2008 को संजय दत्त और मान्यता हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद दोनों जुड़वा बच्चे शाहरान और इकरा के माता पिता बने। एक बार संजय दत्त ने इंटरव्यू में मान्यता की तारीफ करते हुए कहा था कि मान्यता मेरी बेटर हाफ नहीं है, बल्कि वह मेरी ताकत है। मैं जब भी नीचे गिरा हूं उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। संजय दत्त के इन बोल से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वह अपनी पत्नी मान्यता से कितना प्यार करते हैं और शायद इसी कारण उनकी जिंदगी में मान्यता के बाद कोई और लड़की नहीं आई। तो दोस्तों, संजू बाबा की ऐश भरी जिंदगी, आपको संजू बाबा के लाइफस्टाइल कैसी लगती है आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।